अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ नायला तहरीम एंड आई वेलकम यू ऑल टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 3 एंड द चैप्टर इज अबाउट अ पोम एंड द टॉपिक ऑफ द पोम इज द काउ के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक पोम और पोम का नाम है द काउ। इस पोम की अगर आप पेज पे जाइए, पेज नंबर 42 और 43 पे देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है। ये तस्वीर किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रही है? ये तस्वीर एक गांव का मंजर दिखा रही है जिसमें मुख्तलिफ रंग की गाय सफ़ेद, काली और भूरी चरागाहों में घास खा रही हैं। वहाँ पे एक चरवाहा भी है जो उनकी देखभाल कर रहा है। ये गायें भैंसें ये क्या हैं? ये खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं। इसी तरह खुदा की बनाई दूसरी मखलूक जैसे कि जिन, चरिन, परिन, इंसान, हैवान, आसमान, आसमान में तारे, सितारे, सूरज, चांद, ये सब क्या है? अल्लाह की मखलूक हैं। और उसमें इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात है। अब अशरफुल मखलूकात होने के बायस इंसान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बारे में इस पोम में बताया गया है। जैसे कि आप इस तस्वीर में अगर देखिए, ये गडरिया या चरवाहा जो है वो जानवरों की देखभाल कर रहा है। तो हमारा इंसान अशरफुल मखलूकात होने का सबसे बड़ा अव्वलीन फ़र्ज़ ही ये है कि हम उन बेजुबान मखलूक जो खुदा की बनाई हुई हैं उन पर रहमत और शफकत का रवैया इख्तियार करें। ये खसूसन ये पालतू जानवर जिनको हम घर में रखते हैं, जिनसे हम दूध, दही और उनका गोश्त जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम इन जानवरों पर हम इन जानवरों से शफकत का रवैया इख्तियार करें। तो यहाँ पर एक तो इस पोम में नेचर के बारे में बताया गया है, लव फॉर एनिमल्स, और यहाँ पे जानवरों और इंसानों के दरमियान में एक रिलेशन बताया गया कि हम इंसानों को जानवरों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बच्चों से सवाल पूछिए कि आपका फेवरेट जानवर, पेट एनिमल कौन सा है और क्यों है? क्या आपने घर में कोई जानवर रखा है और आप उसकी देखभाल किस तरह करते हैं? ये तमाम सवाल आप बच्चों से क्लास में पूछिए और उनके सवाल जवाब जानिए। शुक्रिया। टेक आउट पेज नंबर 43 ऑफ योर इंग्लिश बुक। द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट आई लव विद ऑल माई हार्ट, शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट टू ईट विद एप्पल टार्ट। एक दोस्ताना गाय सफ़ेद और भूरे रंग की, जिसे मैं अपने दिल से बहुत प्यार करता हूँ, जो कि मुझे क्रीम देती है अपनी पूरे कुव्वत के साथ, जिसे मैं खाता हूँ सेब के टार्ट के साथ। शी वॉन्डर्स लोइंग हेयर एंड देयर एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे, ऑल इन द प्लेजेंट ओपन एयर, द प्लेजेंट लाइट ऑफ डे। वो खुशगवार दिन की रोशनी के साथ इधर उधर चरागाहों में घूमती है और फिर भी वो कभी रास्ता नहीं भूलती, कभी भटकती नहीं है, कभी गुमराह नहीं होती। एंड ब्लोन बाई ऑल द विंड दैट पासिस एंड वेट विद ऑल द शावर्स, शी वॉक्स अमंग द मैडो ग्रास एंड ईट द मैडो फ्लावर्स। गुजरने वाली तमाम हवाओं के साथ और तमाम बारिशों से गीली होकर भी वो घास के मैदानों के दरमियान चलती है और घास के मैदानों के दरमियान फूल खाती है। So the writer of this poem is Robert Louis Stevenson. While reading, what do we get from cow? अभी हमने ये poem पढ़ी, आप हमें बताइए कि हम गाय भैंसों से क्या हासिल करते हैं? हम उनसे दूध हासिल करते हैं। दूध से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया और दूध से बनने वाली बहुत सी अशिया। उसके अलावा एक बहुत ख़ास चीज़ हम जानवरों से क्या हासिल करते हैं? उनका गोश्त, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद है। यहाँ पर डियर टीचर्स, बच्चों से सवाल पूछिए, क्या आपको गाय पसंद है? क्या आप जानवरों का गोश्त खाना पसंद करते हैं? आप जानवरों का ख्याल रखना पसंद करते हैं? आपके घर में क्या कोई पेट एनिमल है, कोई जानवर है? आप उसका ख्याल किस तरह से रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा गया है, आजकल की जनरेशन, बच्चों को शौक़ बहुत है पेट एनिमल्स का, लेकिन उनकी प्रॉपर टेक केयर हम नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। नाउ वोकैबुलरी वर्ड्स, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। फ्रेंडली, एमिएबल, दोस्ताना, विद ऑल हर माइट, विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ। वॉन्डर, टू वॉक और मूव एमलेसली, बेमकसद घूमना, हेयर एंड देयर, ऑल अराउंड, चारों तरफ।
मेडोज, पैस्चर्स फील्ड, घास का मैदान जिसके पैस्चर्स चिरागाहें भी हो सकती हैं और खेत भी हो सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड वोकैबुलरी वर्ड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस चैप्टर वेरी वेल. कीप वॉचिंग व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.